जब बैकअप एग्जैक्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ तो मेरे जाने से पहले वहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, मतलब जब भी हम कस्टमर का कॉल लेते थे, उसकी हेल्प करते थे, उसके बाद उसको एक ईमेल जाता था, उस ईमेल में कस्टमर हमारे हमको रेट करता था कि हमारी सर्विस उसको 60% अच्छी लगी, 70% अच्छी लगी, वो सेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड है, वो 10 में से मार्क्स देता था, 9, 8, 7, 7.5 ऐसे। आपने भी देखा होगा ना कोई कॉल सेंटर वगैरह पे आप कॉल करते हो, उसके बाद वो आपको फीडबैक के लिए ईमेल या एसएमएस करते हैं। तो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर जो होना चाहिए था वो हमेशा होना चाहिए था करीब, आई थिंक मेरे जाने से पहले वो था 75 का टारगेट। और जिस साल मैंने वहां ज्वाइन किया उस साल मैंने देखा, जब मैं अंदर गया और पहला दिन मेरा था वहां, सभी जगह कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर का एक बैनर, जो छत से लटके हुए बैनर उनको क्या बोलते हैं, वो लटके हुए थे और सभी पे लिखा हुआ था 85%, 85%, 85%, 85%। दीवारों बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, 85% कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, हुर्रे वी हैव अचीव्ड इट, इस तरह के पोस्टर लगे हुए थे। तो मैंने धीरे धीरे वहां जाके समझा तो सारे एम्प्लॉइज जो थे या सारे फ्लोर के लोग थे वो नेगेटिव होते थे, बोलते थे यार 75% भी अचीव नहीं होता था, इन्होंने 10% बढ़ा के 85% कर दिया, यार ये समझते क्या है अपने आप को, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, कंप्लेन करते थे सभी लोग। लेकिन पता है आपको क्या हुआ, वो पोस्टर्स वगैरह लगा के माहौल ऐसा बनाया गया कि 85% के पहले प्रमोशन नहीं होता था, कई सारे चैलेंजेस आते थे। तो धीरे धीरे 3 महीने के अंदर सभी एजेंट्स फ्लोर पे, सभी एजेंट्स 85% को आसानी से अचीव करने लगे, मेरे खुद के 85% आने लगे, आराम से आने लगे बिना किसी दिक्कत के। 1.5 साल हम लोग 85% सी सेट स्कोर पे थे, और 1.5 साल के बाद हमारे एक नए डायरेक्टर आए, मनोज बेजावर साहब। मनोज बेजावर सर जब आए उन्होंने सीधा वो टारगेट उठा के 90% कर दिया, और 90% के बैनर पोस्टर सब कुछ लग गए। 1.5 महीना 2 महीना तक सब लोगों ने कंप्लेन की, 6 महीने के अंदर अंदर सबको लगा कि यार ये तो करना ही पड़ेगा। 5-6 महीने के बाद सभी का सी सेट स्कोर 90% आने लग गया। कैन यू इमेजिन, हमारी क्षमता हमें लगता था 75% भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 85% किया, 85% से हम 90% तक गए। उसके बाद तो खैर मैंने कंपनी छोड़ दी, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि माइंड कंफ्यूज रहता है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको वो ही दिखना चाहिए चारों तरफ जो उसे चाहिए, चारों तरफ उसे वो दिखना चाहिए जो उसे चाहिए। ओके, क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू रियली वांट, डू यू वांट मनी? आपको एक गोल लिख दीजिए, मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए या मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। आपको क्या चाहिए, घर चाहिए, आप उस घर का फोटो अपने घर के अंदर लगा दीजिए, विजन बोर्ड बना लीजिए, एक चार्ट पेपर लीजिए, उस चार्ट पेपर पे हर वो फोटो काट के लगाना शुरू कर दीजिए जो आपको चाहिए। ओके, प्लस उन चीजों को एक्सपीरियंस करना सीख शुरू कर दीजिए। 2 चीजें करनी है आपको, एक तो वो लक्ष्य आपकी आंखों के सामने रहे या वो फोटो आपकी आंखों के सामने रहे जो आपको चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,